फाटक को तोड़कर एक डीसीएम गाड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में डीसीएम चालक की मौत हो गई और बड़ा हादसा टला। चंदौसी में रेल फाटक पर सरिया लदी डीसीएम रेल फाटक तोड़कर मालगाड़ी की अंतिम बोगी से टकरा गई। टक्कर के बाद डीसीएम की कैबिन के परखच्चे उड़ गए। डीसीएम चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। हम आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि डीसीएम में लोड के ऊपर तमाम मजदूर भी बैठे थे, जो घटना के बाद भाग गए। चंदौसी के स्टेशन अधीक्षक ने मौका मुआयना किया। इसके बाद आरपीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। किसी को बुलाया क्या? आशीष कुमार मिश्रा, स्टेशन अधीक्षक चंदौसी। सर, ये क्या हादसा हुआ है सर? एक हमारे यहाँ सिंभाग भी पायलट आ रहा था सिसरका की तरफ से जी, और जिसका सिसरका आउट हमें मिला था लगभग 3 पे, और चंदौसी 22:15 पे आ गई थी। गेट बंद था, बंद गेट पे डीसीएम AUA06D0576 ने टक्कर मार के तोड़ दिया, गेट को नुकसान पहुँचा रहा। इसके अलावा सर कोई और हादसा? इसके अलावा कुछ नहीं। आरपीएफ आ रही है और आगे की कार्रवाई आरपीएफ की जिम्मेदारी है। ऊपर से